यहाँ क्या फर्क हुआ बेटा? इमली में छोटी ई और ईख में बड़ी ई। उल्लू के ऊ, लेकिन हमको अपने जीवन में उल्लू नहीं बनना है। जगदीश भाई, जगदीश भाई, क्या हुआ बेटा, तू क्यों दौड़ रहा है? दो चार गुंडे आए थे बस्ती में, कुछ बच्चों को पैसा दूंगा बोलकर साथ ले गए, और अब वो उन्हें चोरी और पॉकेट मारी करने के लिए उकसा रहे हैं। बेटा तुमने खुद देखा है, सुना है? हाँ हाँ। तो कहाँ है इस वक्त बच्चे? वो नाली के पीछे पुरानी बिल्डिंग है ना, वहीं। चलो बेटा मुझे लेके चलो। बच्चों जो मैंने पाठ पढ़ाया उसको कम से कम चार बार अपनी नोटबुक में लिखो, ताई ताई नजर रखना जरा इन पे। आ बेटा चल जल्दी। बेटा सुनो, इधर आना जरा। आपके जगदीश पापा कहाँ गए? 5 मिनट पहले तो बाबा यही थे, पर सत्तो आया और उन्हें ले गया। कहाँ? वो नाले के साइड में बिल्डिंग है ना, उसके अंदर। जगदीश बाबा, यही वो बिल्डिंग है। धीरे बोलो बेटा। बेटा चुपचाप मेरे पीछे आओ। समझ में नहीं आ रहा है क्या हम क्या बोल रहे हैं? उस बच्चे ने तो यही जगह बताई थी, लेकिन यहां तो कोई दिख नहीं रहा। ये बिल्डिंग का हालत तो एकदम कचरा है। लेकिन सेल शुरू हो गई है बॉस, और सेल शुरू मतलब अपना काम शुरू। आज हम लोग इस बिल्डिंग के मालिक से मिलने वाले हैं, और कसम से रघु भाई, अगर आज की मीटिंग कामयाब हो गई ना, तो हम लोग इस बिल्डिंग के ऑफिशियल एजेंट बन जाएंगे। पैसा बरसेगा भाई गॉड। हरिओम। एक काम कर दो, इधर ही रुक, मैं फोन अटेंड करता है, बिल्डर आता ही होगा। ठीक है, एक मिनट। एकदम। हेलो, राखिया फोन कर रहे बॉस को, और पता कर कहाँ छोड़ना है इन पिल्लों को। सुबह से वही तो कर रहा हूँ, बॉस फोन नहीं उठा रहा है मेरा। अबे कब तक मैं यहाँ खड़ा रहूंगा ये पार्सल लेके? वैसे भी पुलिस को डाउट हो गया है, यहाँ रुकना रिस्की है। बात तो सही है, इन बच्चे लोगों को इन एरिया में छोड़ के अपन लोग भी कल्टी, एक दो महीने नजर नहीं आना इस एरिया में। बेटा तुम पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बेटा पुलिस आए तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले ही इन बच्चों को बचाऊंगा। लेकिन बाबा आप अकेले? सत्तू बेटा मैंने क्या सिखाया था, अच्छाई कभी अकेले नहीं होती बेटा, ईश्वर उसके साथ होता है, मेरे साथ भी ईश्वर है। मैं अपनी जान पे खेल के बच्चों को बचाऊंगा, तुम जाओ बच्चे, जाओ बेटा, संभाल के सत्तू। थोपड़ा बंद रखने का, और जब तक मैं ना बोलूं कुछ बोलना नहीं, जिधर बोले उधर चल लेगा। मालूम तो बोला था बिल्डिंग खाली है, फिर आवाज कैसा? हेलो, अबे गोचू, तेरी बॉस से बात हो गई ना? बॉस ने जो एक बार रकम बोला ना वो फाइनल है,
एक बच्चे का 50,000 मतलब 50,000। अभी मांडौली नहीं करेगा मैं। और वैसे भी तू बच्चे को 100 केस में सजा के रखने वाला है क्या रे? तू उनसे चोरी करवाएगा ना, डाका डलवाएगा ना, भीख मंगवाएगा ना उनसे? तू एक महीने में पूरा का पूरा पैसा रिकवर कर लेगा, समझा ना? कैट चल वंडर। यहाँ तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना होगा। क्या हुआ? डरने का नहीं यहाँ, अपन कुछ नहीं करेगा तेरे को। क्या हुआ? तू ठीक तो है? इतना काम पे कर रहे तू? ए राखिया, लोकेशन आ गई। ए चलो रे, उठाओ सब बच्चों को, उठाओ चलो। ए चल चल चल, ए सबको लेके चलो। बच्चों को छोड़ दीजिए पापा, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पांड्या पुलिस को बुलाएगा। बुला बुला। देखिए भाई साहब, इन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बच्चे क्या मत मार, एक पैर कवर में, दोनों पैर कवर में डाल दूंगा। कवर की तैयारी ऑलरेडी कर ली है मैंने, तुम लोगों की। हैंड्स अप, हाथ ऊपर। चलो कोने में चलो, चलो बेटा संभाल के। जल्दी, और कोई शान पत्ती करने की जरूरत नहीं, समझे? और जहां खड़े हो ना, वहीं पर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। पलटो और हाथ ऊपर ही रखना, और हिलने डुलने की कोशिश भी मत करना, समझे? ओ काका, उधर उधर उधर, अंदर बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग, बच्चों को बांध कर ले जा रहे हैं। जगदीश बाबा अंदर है अकेले, बच्चों को बचाने के लिए मैंने उनको मना किया था, वो चले गए। आप अच्छे अंकल हो तो पुलिस को फोन कर लो ना। चकावत, फोन तो गाड़ी में छोड़ गया, अब क्या करूं? अंकल मैं बाहर जाकर पुलिस को बुला कर आता हूँ। हाँ, ठीक है, जल्दी जा। बाबा पापा बच्चों को लेकर निकलिए, मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दिया है, मेरी टीम आती होगी। शाबाश बेटा, इस तरफ से निकलेगा पापा। ठीक है जी, आप जाइए। निहाल बेटा बच्चों को संभालो एक एक करके। भाई साहब लग रहा है कि एक एक गोली मार दूंगा। चुप, बेटा संभाल। चुप, एक और हाथ लगाया ना तो तेरे हाथ उखाड़ कर तेरी जेब में डाल दूंगी, समझा? ए, बहुत हो गया तेरा एक्शन, अभी शांति से जा बैठी है ना, वही खीली ठोक के बैठ जा, वरना एक एक को ठोक दूंगा। चैन पट्टी होगी तेरी, समाज सुधारने आया ना, हैं? छोड़ बच्चों को, छोड़ तुरंत। मुझे मार दीजिए पर बच्चों को।
हैंड्स अप, ले जाओ जीप में डालो इन्हें, चलो। जैन मैम, थैंक यू वेरी मच एसीपी धनक मैम, आज सिर्फ आपकी बहादुरी की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने इस गिरोह को पकड़ लिया। सर थैंक यू आपको भी। अरे वास्का साहब, जय हिंद। तू ना अपन को तेरा बॉडीगार्ड बना ले, इसी बहाने अपन को जॉब भी मिल जाएगी और तेरे साथ रहने का टाइम भी मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन फिर एक गड़बड़ हो जाएगी, मेरा सारा ध्यान तो मेरे बॉडीगार्ड पर ही रहेगा। हाँ तो इसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है, अच्छा क्या है, वो मैं आपको घर आके बताऊंगी। फिलहाल आप जाइए। जाइए मतलब? तू नहीं आएगी अपन के साथ? यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज बची हैं, रखो बस उन्हें पूरा कर कर आती हूँ। जल्दी आना। बेटा कल शाम को क्लास में जरूर आना, अब कोई चिंता मत करना। धन्यवाद बेटा, तुमने जो आज मेरे लिए किया है मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा। बेटा मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम एसीपी हो, बस सही वक्त पे आई बेटा। थैंक यू। अच्छा वो बंदा नहीं दिखाई दे रहा जिसने मेरी जान बचाई? वो चला गया। उसे भी थैंक यू बोलना था। जरूरत नहीं है बाबा। पर बेटा एक इंसानियत तो कहती है ना कि एक बाप की जान बचाना एक बेटे का फर्ज होता है। और फर्ज निभाने के लिए थैंक यू नहीं बोलते। वो आपका बेटा था रघु, और मेरा पति। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने था और मैं पहचान नहीं पाया कैसा बाप हूं मैं। मैंने कहा था ना आपसे बाबा, बिल्कुल आप पर गया है। आज एक अनजान शख्स की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। अच्छाई उसके खून में बहती है बाबा। क्या आपका मन नहीं करता, क्या आपका दिल नहीं कर रहा अपने बेटे को अपनी छाती से लगाने का? बताइए बाबा, क्या आप भी आप घर नहीं आएंगे? ए सोन पापड़ी, तू निकल गई क्या? जल्दी घर आ, अपुन के पास तेरे वास्ते एक सरप्राइज है। क्या रे, आज बहुत जल्दी वापस आ गया तू? हाँ, मदन के साथ जाने का टाइम नहीं मिला क्या? आखा दिन ठेले पर था, पानी पीने चल। अरे आराम से बैठ के पी वरना ठसका लग जाएगा। और ये शर्ट कहीं को खराब हो गया, मारा मारी करके आया तू? अरे नहीं माई, वो अपुन ने नया धंधा शुरू किया ना तो। अरे हाँ एक सेकेंड, ये ले अपुन के नए धंधे का पहला कमाई है। अरे मगर कौन सा धंधा, ढंग से बता तो सही। अरे स्टेट एजेंट का धंधा शुरू किया अपुन ने, उसका डील क्रैक किया ना, उसका पगार है। किसी को नहीं बताया, सबसे पहले आके तेरे को बताया अपुन ने। धनक को भी नहीं बताया, मालूम काहे को? क्योंकि अपुन का हर कामयाबी पे हर खुशी पे पहला हक तेरा है और हमेशा तेरा ही रहेगा। अरे ये तो अभी शुरुआत है शुरुआत, अब देख ऐसा चुटकी में अपन लोग के दिन बदल देंगे। इतना बेटा है ना, देख क्या करता है, ये दीवार में हुलवा है ना, अरे इसके बदले अपन बड़ा बड़ा बंगला खड़ा करेगा। 30-40 गाड़ियां, तू बोल, तू एक गाड़ी में घूमेगी अपन दूसरी गाड़ी, अरे नहीं नहीं अपन लोग साथ में घूमेंगे, तेरे को अकेले कैसे छोड़ सकता है? इतनी सी भी तकलीफ नहीं होने देगा तेरे को। और फिर अपन लोग विदेश जाएंगे और घूमने। मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है, वो अपनी माई के लिए कुछ भी कर सकता है। तू भले कितने भी रिश्ते क्यों ना जोड़ ले, रहेगा तो तू अपनी माई का ही बेटा। इसलिए मैं तेरे को किसी और के साथ बांट नहीं सकती। वो देख आ गई तेरी सोन पापड़ी। क्या रे आज बहुत जल्दी आ गई तू,
तो ड्यूटी पे जाती है कि पिकनिक पे? कभी भी जाती है, कभी भी आती है। जब भी मेरी खुशी का गुब्बारा फूकने लगता है ना, सुई लेके पहुंच जाती है फुस करने। बाबा, आप जिंदा हो? ए भाई, देख बाबा जिंदा है, अपना बाबा जिंदा। फिर वो एक्सीडेंट, वो आपका मौत, वो सब गलत फहमी था। पापा ने आपको अब उनके वास्ते जिंदा रखा था। बाबा, आप उनके वास्ते जिंदा रखा था। किधर थे हम बाबा, किधर थे? काहे को छोड़ के चले गए थे हम लोग को? घर लौट के क्यों नहीं आए बाबा? बहुत मिस किया आपको, बहुत मिस किया बाबा, बहुत मिस किया। ये बाबा, इधर ये देख, अरे तेरे फोटो पे हार लगा हुआ है और तू अब उनके सामने खड़ा है। जब अपन दुखी होता था ना, ये फोटो के सामने खड़ा होकर इसको दुखड़ा सुनाता था। पर ये फोटो कभी भूल नहीं सकता, ना ही ऐसा हाथ फैला के गले लगा सकता। पता है बाबा, बचपन में ना जब बाबा लोग अपने बच्चों को कंधे पे उठा के ना चाहते थे, कोने में रहकर रोता था। बहुत दुख होता था, बहुत दुख होता था। तेरा कंधा बहुत मिस किया अपने बाबा, बहुत मिस किया है। उसको छोड़ रखो, उसको छोड़।